आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में सूचना मांगेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसे जानें। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल से, जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे और एक लाइक अवश्य कर देंगे। तो चलिए हम लोग प्रपत्र को कैसे लिखेंगे। एक फॉर्म आता है, यदि आपके पास फॉर्म है तो फॉर्म में भरेंगे। जिन्हें फॉर्म नहीं है वे सादे कागज़ पर भी इस प्रकार आवेदन लिख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम लोग सादे कागज़ पर नहीं लिख सकते हैं, या आप लोग ठीक से इसे टाइप करा लेंगे। इस प्रकार सूचना का अधिकार 2005 प्रपत्र को नियम 3(1) सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी या जन सूचना पदाधिकारी, किसी किसी राज्य में जन सूचना पदाधिकारी भी कहा लिखते हैं, इसलिए दोनों एक ही हैं, विभाग या कार्यालय। अब जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पंचायत से हैं, वे ग्रामीण विकास विभाग को लगाएंगे। जो नगर पालिका या नगर निगम से है वो नगर पालिका नगर निगम को लगाएंगे। अपने जिले का नाम दे देंगे और अपने राज्य का नाम लिख देंगे। आवेदक अपना नाम लिखेंगे और अपना पूरा पता पिन कोड सहित लिखेंगे। मांगी गई सूचना कैसे मांगेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप लोग बिना स्किप किए हुए देखते रहें। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की निम्नलिखित जानकारी चाहता हूं। पहला, सरकार के नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार कौन कौन है, इसका क्या मापदंड है, मन किन कैसे किन व्यक्तियों को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा है, सरकार के नियम के रिकॉर्ड की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए। सरकार के नियम के रिकॉर्ड की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए, यह जानना इसलिए आवश्यक है कि जो अधिक जिनको उपयोगी है आवास, जो गरीब हैं उन्हें नहीं मिलता है, और जो पैसे वाले हैं या जिनके पास अपना घर है वो उन्हें ही मिल जाता है। इसलिए मापदंड सरकार के नियम के रिकॉर्ड का क्या है, उसका जो नियम है उसकी छाया प्रति ले लेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण बहुत गड़बड़ी हो रही है। तीसरा है, मेरे जिले के नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत, जिस भी क्षेत्र की आप लोग सूचना मांगना चाहते हैं वो क्षेत्र लिख देंगे और अपने जिले का नाम लिख देंगे, और जिस वर्ष का, जैसे वर्ष मैंने 2021-2022 के अंतर्गत आवेदन लिखा है, तो आप लोग जिस भी वर्ष का आवेदन लेना चाहते हैं, सूचना मांगना चाहते हैं कि अंतर्गत कितने आवेदन भरे गए, कितने आवेदन को स्वीकृत किया गया एवं कितने आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, ये आप लोग अपने स्वेच्छा अनुसार जो आपको जिस वर्ष की जानकारी चाहिए नगर निगम से, नगर पालिका से या पंचायत क्षेत्र के, तो अपने जिले का नाम लिख करके इस तरह लगा देंगे। और चौथा है, स्वीकृत आवेदन पर किस किस को भुगतान किया गया, पूरी जानकारी चाहता हूँ। सभी का पूरा पता उपलब्ध कराई जाए, कब कब राशि भुगतान की गई है, यह पूरा डिटेल हो गया एक साल का। मैंने 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, तिथि 10/5/22 को रसीद संख्या पोस्टल ऑर्डर का होता है, इसमें पोस्टल ऑर्डर रसीद संख्या भर देंगे, से विभाग या कार्यालय को भुगतान किया। नोट में अवश्य लिख देंगे, यदि वांछित सूचना आपके कार्यालय या विभाग से संबंधित नहीं है तो धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग या कार्यालय को स्थानांतरित कर 5 दिनों के अंदर मुझे भी सूचित करें। अपना हस्ताक्षर कर देंगे और अपना पूरा पता यहां भी लिख देंगे, नाम पता डाकघर सहित पिन कोड सहित अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, स्थान जिस भी जिला राज्य से आप लोग यहाँ भर देंगे और तिथि डाल देंगे। इस तरह हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी ले सकते हैं। बिहार राज्य में पहले यह इंदिरा आवास के नाम से भी जाना जाता था, तो पूर्व में भी यदि किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप लोग लिख सकते हैं। जय हिंद।